तो मैं इस समाज से पूछना चाहूंगी और मैं आप सब से पूछना चाहूंगी कि इस समाज में क्या गरीब होना पाप है या इस महिला का बौना होना पाप है? नहीं तो फिर आखिर में इस महिला को इतना कष्ट क्यों है? क्यों इसको औरों के द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारी सरकार जो हमारा पुलिस प्रशासन भी है जो कुछ भी नहीं कर रहा है, जो अपनी शिकायतें पुलिस प्रशासन के पास भी लेके गई लेकिन पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन हमारा इतना कमज़ोर हो गया है, निहत्ता कमज़ोर, जो एक बौने की ये जो फरियाद है उसको वो तक उसके कानों में नहीं पहुंच रही है? और कुछ जो इस समाज के गुंडे मवाली जो पैसे वाले हैं, जो जिनके द्वारा इनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं इनकी एक छोटी सी दुकान है जिससे ये अपना रोजी रोटी, अपना रोजगार चला रही है। आप ये दुकान देखेंगे तो इन दुकान पे आपको इस कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये चाय बेचती हैं और कुछ टॉफी बिस्किट 5-10 रुपए का सामान बेच के अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो गाइस दोस्तों आप सोच सकते हो कि किस तरह इस महिला का जीवन बीत रहा होगा। एक तो इस समाज में इनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, बौने बौने के जो शब्द होते हैं कितना ज़्यादा दुखदायी होता है कि फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन फिर भी कुछ इनके आसपास के मोहल्ले के गुंडे हैं जो इनको आके परेशान करते हैं, आप ये सोच सकते हो, इनको छेड़ते हैं। तो कितनी दुखद ये घटना है, हम इनके मुंह से इनकी मुंह जबानी सुनेंगे और आप तक इनकी कहानी पहुंचाएंगे। अगर आप में भी यार जरा सी भी इंसानियत होगी तो इस वीडियो को आगे शेयर इतनी करना कि ये वीडियो पुलिस प्रशासन तक जाए और अमेठी के लोगों तक पहुंचे ताकि इस बच्चे की, इस लड़की की जितनी मदद हो सके लोग, हम आप लोग मिलके मदद कर सके। मैं तो आप ये देख रहे हैं, ये मैं एक गांव में आई थी अमेठी के, जहां मुझे एक माताजी मिली और उनकी बेटी मिली जो काफ़ी मतलब बुरी कंडीशन में, बहुत उन्होंने अपनी जो दास्तान सुनाई, माताजी की दास्तान सुन के मुझे बहुत ज़रा बुरा लगा और ये हमारी माता समान है तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी जो कहानी है, स्टोरी आप तक पहुँचाया जाए। और गाइस और प्लीज़ इनकी मदद जितनी हो सके करने कोशिश कर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम तुमको ये ऐसा कर डालेंगे, वैसा कर देंगे और तुम्हारे वो चलना नहीं देंगे, उनका कोर्ट ऑफिस है कुछ। हाँ, वो तो ये जो विधायक है, राकेश विधायक है, उनके यहाँ उनकी मम्मी काम करती है। जब भी कुछ करता है, एक बार मोबाइल चुरा के ले गया था तब भी उनका सपोर्ट करती है ये लोग, लेकिन नहीं दिया मोबाइल, नहीं दिया काफी, फिर गाली दिया, बहुत सपोर्ट उनका करते हैं। पुलिस वाले से आपने कंप्लेन नहीं किए थे? कंप्लेन, लेकिन फिर भी जब भाई कहाँ विधायक तक जा रहा है, बात हो रही है तो हमारी कौन सुनेगा? तो वही बात है ना, शर्मानी चाहिए कि पुलिस वालों को ऐसे विधायकों को जो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करो एक बार देखो तो सही, आप किसके किसके विपक्ष में सपोर्ट कर रहे हो, किसके पक्ष में सपोर्ट कर रहे हो। आप इनकी हालत देख सकते हो खुद, एक तो ये गरीब है, ऊपर से क्या बोलते हैं इनके पैर में भी कुछ प्रॉब्लम, विकलांग है ये, ऊपर से क्या बोलते हैं, आप देख रहे शॉर्ट हाइट की भी है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए सबको, और लोगों से नीचे गिराने की कोशिश करते हो, इनके साथ मतलब इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, बदतमीजी किया जाता है, उसके बाद ये कंप्लेन करती है तो पुलिस के प्रशासन के द्वारा इनकी सुनी नहीं जाती है। तो अगर आप मेरे देख रहे हो यहाँ, मेरी वीडियो को वायरल करने की कोशिश कीजिएगा, ये यहाँ के SP DSP तक ये बातें पहुँचे और यहाँ के कमिश्नर तक भी ये बातें पहुँचे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनकी मदद की जाए। और हम देखेंगे अपने उससे अफसर से जाके, हम भी बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ से जो भी है, और इनकी बात जो है, इनकी वीडियो है, हम SP कार्यालय वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे। हम यहाँ तक नहीं रुकेंगे, अगर एक महिला है, इनका महिला का दर्द जानना है तो हम ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करेंगे। और बताओ लड़के के बारे में क्या, मतलब उनके घर के द्वारा उस लड़के के द्वारा आपको मतलब वो कितने कितने साल का वो लड़का है? उसकी भी उम्र क्या कह रहा, क्यों आपको परेशान? परेशान एक दुकान पे आता है, सामान लेता है, खा लेता है, पैसा मांगते हैं तो पैसा दे लेते हैं, लड़ाई करता है, नहीं देते हम, इतना पावरफुल है हमारी तो नहीं देंगे, क्या जो करना है कर लो, किसी तरह की बदतमीजी दुर्भाग्य। यही बस यही गाली देने लगता है जब मांगने लगते हैं तो। अच्छा क्या बोलते हैं? अच्छा इनको बोलते हैं? अच्छा तो आपने कभी पुलिस की कोई मदद लेने को सुनी नहीं, एक्शन नहीं लिया? पुलिस की मदद देते हैं, उसका जो लड़का उसका बाप आता है कहता है कि गलती हो गई माफ कर दो, हम इसको मारेंगे पीटेंगे समझा देंगे। तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कहता कि
आएगा, मतलब उस लड़के से जो जेल में डाल के नहीं बोलता कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम आज तैयार हो सब तुम ये गरीब है और तुम आइंदा से नहीं आओगे, आओ यहाँ पे कुछ खाओ तो पैसा दो और किसी तरह की बदतमीजी इस लड़की से आप नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा जाता है। खेत में चले गए सब लोग बिखर गए, जो आ गए उनका होते तो उनको पिटाई करते। अच्छा, और फिर ये लड़की ने पुलिस बुला लिया तो नंबर बुला लिया तो नंबर आई उसको खोजा और भाग लिया, कहीं जाओ पुलिस स्टेशन दो। उसका पिताजी उसके भाई जी आए हाथ जोड़ जोड़े इन्हें कल छोड़ दिया, लेकिन अंधा करेंगे तो उसको पिटाई होगी। बिल्कुल आप छोड़िएगा नहीं, ऐसे खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों की मदद करती है, मैंने कहा ऐसे पुलिस प्रशासन में कैसे चूक हो सकती है, क्योंकि पुलिस प्रशासन खुद ऐसे लोगों के लिए खुद सामने आती है। तो माता जी आप मतलब अपनी दुकान से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, अपनी दुकान पर काम करती है, अच्छा बना लेते हैं, दो पैसा पा जाते हैं अपने खर्च में लगा देते हैं। तो फिर हम इनसे भी पूछना चाहेंगे आप क्या चाहती है सरकार से, मतलब किस तरह की नौकरी मुहैया कराई जाए, मतलब और किस तरह की मतलब आपके लिए लोग मदद कर सके, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो देख रहे हैं कि वो किस तरह से आपकी मदद कर सके, क्या आपकी मदद हो सके। जनता से कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई विकलांग है या कोई से कमा खा रहा है तो उसके यहाँ अगर कोई भी सामान या दुकान खोला है तो उसके कभी एक पैसा नहीं लेना चाहिए, न उसे प्रताड़ित करे, अगर उससे मदद नहीं कर सकते तो उसे प्रताड़ित कभी ना। बिल्कुल ये भी बात सही है, ऐसे लोगों को जो कहते हैं ना वो समाज के इतने बोलूं कि मतलब आप मतलब किसी की मदद नहीं कर सकते, वो भी जिसकी मदद करेंगे उसको परेशान कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी इंसान नहीं एक जानवर बसता है। फिर चलिए इसी के साथ हम बाकी इनका एड्रेस बता दें, कौन सा एड्रेस है क्या इनका, माधोपुर है, गौरीगंज शहर है, माधव गौरीगंज में इनकी दुकान है। अगर आप गाइस अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है और आप इधर आते हैं तो प्लीज इनकी दुकान पे ठहर के एक कप चाय जरूर पिए जिससे इनकी मदद हो सके, क्योंकि गाइस आपके 5-10 रुपए से कुछ नहीं होता, बदले में इनकी मदद हो जाएगी। तो आप आए और इनकी दुकान पे जरूर आए। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इनकी दुकान है जहाँ पे चाय से लेके आपको इस तरह के बिस्किट नमकीन देखने को मिल जाएंगे, तो गाइस यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर ले, आपसे मेरी अपील है। थैंक यू। तो हम लोगों ने भैया इतना मैसेज दिया तो हम अपने लोगों जितने भी फ्रेंड सर्कल में सबसे बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ से कुछ ले तो हम लोग भी कैसे बिना खाए और बिना कुछ लिए यहाँ से जाएं। तो इसी शर्त पर भैया देख रहे हो कितना ज्यादा सामान मतलब लग रहा है, पूरी दुकान ही खरीद लेंगे। माता जी देखिए इतना परेशान हो गई है, हम लोग ले आई, अब इनको मतलब क्या बोली, कोई मतलब कुछ भी, और इनसे हमने बोला था कुछ सामान लेने के लिए तो इन्होंने पूरा मतलब दुकान ही खरीद डाली है। पैसा जुड़वा खाओगे भैया, आप क्या इतना सारा सामान ले रहे हैं, आप पैसे जोड़े खाओगे भाई ने हमारे देखो तो खा जाते हैं, चलो कुछ भी ले लो और हम लोगों ने मतलब बिल्कुल प्यार से लाए हैं और माता जी का देखिए आशीर्वाद भाई, यहाँ पे गुजिया लेके आए हम लोगों के लिए। ये देखिए ये होती है मोहब्बत और ये होती है प्यार, और ये इनको लग रहा है ये प्यार कुछ ज्यादा ही बरस पड़ा है। तो देखिए इन लोग भी गुजिया खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम भी गुजिया खाते हैं। आपको गुजिया खाते हुए कैसे लग रहा है? काफी अच्छी गुजिया, काफी अच्छी गुजिया है। आपको कैसा लगा? काफी टेस्टी है, सबसे ज्यादा मतलब इस गुजिया में नहीं ये गुजिया वो गुजिया, इसमें बहुत सारा प्यार प्रेम छुपा है, ये गुजिया सबसे बहुत ज्यादा स्पेशल, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ऐसी गुजिया मैंने नहीं खाई क्योंकि ये किसी माँ की प्यार की हाथों की ये गुजिया है, इसको मिठास किसी और। चलो गाइस इस व्लॉग को शेयर अब जरूर कर देना, चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।